ग्रामोत्सव का यह कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से जब आप अयोध्या में प्रवेश करोगे। तो अयोध्या में जहां एक तरफ राम उत्सव मनाया जा रहा है वहां दूसरी तरफ इस प्रकार के कार्यक्रम अयोध्या धाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। भाई अद्भुत अयोध्या है, दिव्य अयोध्या है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है। यहाँ पर वर्तमान समय में आप बधाई गीत को सुन पा रहे होंगे, ये लोग कुछ इस प्रकार से नृत्य करते हुए आप सभी को यहाँ पर दृष्टिगत आ रहा होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ एक तरफ अयोध्या धाम में राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वैसे यहाँ पर दिव्य लेजर शो भी आपको देखने को मिलेगा। भाई जय श्री राम, मैं हूँ आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे और आज हम मौजूद हैं राम की पैड़ी पर और आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ हमारे परम धाम अयोध्या में भव्य एवं दिव्य तरीके से राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में मैं आप सभी को लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस किस जगह परम धाम अयोध्या में राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से। पूरी अयोध्या जिले के अंदर आप सभी को एक दिव्य राम उत्सव देखने को मिलेगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं। उससे पहले कहेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहां का अद्भुत एवं दिव्य दृश्य राम उत्सव कार्यक्रम। और ऐसे में यहां पर आपको दिव्य भजन आपको सुनने को मिल पा रहा है राम उत्सव में। यहां पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और तमाम श्रद्धालु यहां पर बैठ करके सुनते भी है। जहां एक तरफ आपने देखा कि कई श्रद्धालु लोग खड़े होकर देख रहे, तो यहां पर बैठ करके भजन का आनंद ले रहे हैं और इस प्रकार का दृश्य यहां पर राम उत्सव कार्यक्रम में आपको देखने को मिल पा रहा है। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, ये सॉन्ग यहां पर अभी प्ले किया जा रहा है और आप लोग भी सुने इस सॉन्ग का आनंद लें। और ये अयोध्या का दृश्य है, भगवान राम की नगरी का दृश्य है और स्क्रीन पर आपको नजर आएगा हर एक जगह एक अच्छा कार्यक्रम राम उत्सव का आपको परम धाम अयोध्या में देखने को मिल पा रहा है। और ऐसे में ये कार्यक्रम, ये दृश्य आप सभी को अयोध्या धाम के जहां से राम लला के मंदिर के प्रांगण में आप प्रवेश कर रहे हो, अयोध्या धाम में प्रवेश कर रहे हो, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अयोध्या का गेट भी बोला जाता है और उदिया पब्लिक चौराहा के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर इस प्रकार का आपको भजन कार्यक्रम राम उत्सव का देखने को मिल पाएगा। और ये मंच साहित्य और संस्कृति मंच जो 14 मार्च से 24 मार्च तक चलने वाला है प्रतिदिन, अगर आप इन सभी कार्यक्रमों के शौकीन हैं तो अयोध्या धाम में आकर के आप इन भजनों के माध्यम से आनंद ले सकते हैं राम उत्सव कार्यक्रम का। और इस प्रकार का कार्यक्रम आपको देखने को मिलता रहेगा। सुनिए भजन, आनंद लीजिए। अभी आइए यहां से लेके चलते हैं आप सभी को आगे की ओर और भी आपको देखते आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक अद्भुत कार्यक्रम राम उत्सव का जो वो चल रहा है पूरी अयोध्या जिले में चल रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए अभी वर्तमान समय में फूलों से लड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, ये दृश्य आप सभी को यहाँ पर
देखने को मिल पा रहा होगा। अद्भुत दृश्य है, अयोध्या का दृश्य है, भगवान श्री राम के नगरी का दृश्य है। और इसी क्रम में मैं इधर की तरफ दिखाऊं तो ये दीवालों पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत पेंटिंग इत्यादि जो है वो की गई है। और इस क्रम में यहाँ पर भी देख सकते हैं, और ये पेंटिंग अधिकतर मान लीजिए साउथ इंडियन के टाइप का सारा पेंटिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस राम उत्सव कार्यक्रम में एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल पा रहा होगा। तो यहाँ पर वर्तमान समय में आप बधाई गीत को सुन पा रहे होंगे। राम जी को जो बधाई गीत है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। सभी लोग कुछ इस प्रकार से नृत्य करते हुए आप सभी को यहाँ पर दृष्टिगत आपको हो पा रहा होगा। और ये राम उत्सव का कार्यक्रम है, अयोध्या का कार्यक्रम है, जो 14 जनवरी से लेकर के 24 मार्च तक चलने वाला है। और ऐसे में कई जगह आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा परम धाम अयोध्या में। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का मूर्ति भी आपको नजर आएगा, और अद्भुत दृश्य यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल पा रहा है। चलिए आगे की तरफ मैं लेके चलता हूँ और आप सभी को अन्य क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं वो भी दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ अयोध्या धाम में राम उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो अयोध्या में जहाँ एक तरफ राम उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ इस प्रकार के कार्यक्रम अयोध्या धाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। भाई अद्भुत अयोध्या है, दिव्य अयोध्या है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है। इस प्रकार का दिव्य कार्यक्रम भी परम धाम अयोध्या में आप सभी को देखने को मिल पाएगा। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक अद्भुत दृश्य, जहां मैं आपको राम उत्सव दिखा रहा हूं, वहां अयोध्या की गलियों में और अयोध्या की सड़कों पे लोग इस प्रकार से हरे राम हरे कृष्ण के रंग में रंगे हुए पूरी अयोध्या आपको देखने को मिल जाएगी। आप जितनी दूर तक देखो ये दृश्य ही आपको नजर आएगा अयोध्या में। और ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, कोई भी आने वाला श्रद्धालु ही क्यों ना हो, सभी लोग डांस करते हैं, भगवान के लिए डांस करते हैं और राम जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। इस प्रकार का भव्य दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएगा परम धाम अयोध्या धाम में। चलिए इस प्रकार का दृश्य तो आपको हम दिखा ही रहे हैं, और अयोध्या में ये राम उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है, भगवान श्री राम के आने की खुशी में मनाया जा रहा है। और ऐसे लोग भगवान के लिए नृत्य करते हुए गान करते हुए आपको परम धाम अयोध्या में देखने को मिल जाएंगे। जो अयोध्या धाम में आप सभी देख पा रहे हैं ये अद्भुत दृश्य है, भगवान श्री राम की नगरी का दृश्य है। और ऐसे में मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप नंदी बैल पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण का दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएगी, बहुत प्यारी मूर्ति है, बहुत प्यारी प्रतिमा है, जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा आपको दृष्टिगत हो पाएगी। ऐसे में यहाँ पर आप देख पा रहे हो और यहाँ नंदी बैल और पूरी अयोध्या इस प्रकार से भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर डांस करते हुए भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ रामोत्सव का कार्यक्रम परे अयोध्या धाम में किया जा रहा है। दूर दूर तक सभी लोग आपको सिर्फ और सिर्फ नृत्य करते हुए नजर आएंगे परम धाम अयोध्या में। तो इस क्रम में हम अब पहुंच चुके हैं राम उत्सव कार्यक्रम में राजकीय तुलसी उद्यान, जो नया घाट के पास स्थित है। और ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और चलिए आपको लेके चलते हैं और यहाँ पर किस प्रकार का उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं तुलसी स्मारक, तुलसी राजकीय तुलसी उद्यान में, और आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। इसमें ये पंडाल जो आप देख पा रहे हैं, इसमें तमाम श्रद्धालु लोग हैं जो इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं परम धाम अयोध्या में। और एक से एक कलाकार यहाँ पर आते हैं, कार्यक्रम को करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, भगवान श्री राम लला के आने की खुशी में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या धाम में आपको देखने को मिल पा रहे हैं। और आज के जो कलाकार यहाँ पर हैं वो बिहार मिथिला से आए हुए हैं रामोत्सव कार्यक्रम में, और ये निर्गुण भजन के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में इस कार्यक्रम में आप देख पा रहे हो इनका आज का भजन है सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा,
यानी राम जी के लिए बधाई गीत गा रहे हैं। और स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे तुलसी स्मारक सदन का यह दृश्य आप सभी को दिखाई दे रहा होगा परम धाम अयोध्या में। और इनका भी आप एक दो मिनट भजन सुनिए, इसके बाद आप सभी को लेके चलते हैं रामोत्सव के अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम राम उत्सव का परम धाम अयोध्या तुलसी उद्यान पार्क में किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर भी बैठ करके आनंद ले रहे हैं राम उत्सव कार्यक्रम का परम धाम अयोध्या धाम में। तुलसी उद्यान पार्क में ही दैनिक जागरण के द्वारा राम प्रणाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और तमाम आप देख सकते हैं ये तमाम डाबर का वैदिक टी, डाबर का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, तमाम चीजें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हैं, दुकान लगाए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राम प्रणाम के नाम से, जो दैनिक जागरण के द्वारा किया गया है। और तमाम सारी कंपनियां हैं जो अपना यहां पर स्टॉल जो है वो लगाई हैं, खेलो और जीतो, यहां पर देख सकते हैं ओमरॉन का है, ये बीपी चेक करने की मशीनें होती हैं, इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिल पा रहा होगा। और यहाँ पर भी कार्यक्रम का आपको दृश्य देखने को मिल पा रहा है जो दैनिक जागरण के द्वारा किया है। और कई कलाकार लोग यहाँ पर भी प्रस्तुति दे रहे हैं, सभी श्रद्धालु यहाँ पर भी भजनों का आनंद ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ आप राम उत्सव का अयोध्या में कार्यक्रम देख रहे हो, ऐसे में तमाम श्रद्धालु लोग आते हैं और अयोध्या धाम में माँ सरयू नदी के तट पर यानी राम की पैड़ी पर इस प्रकार से दिए भी जलाते हैं भगवान श्री राम जी के प्रेम में, प्रतीक में। और ऐसा माना जाता है ना कि कहीं पर भी दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है, और दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में लिखा है भो दीपक ब्रह्म रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्न कृत यावद कर्म समाप्तिश्च तावत तुम सो स्थिरो भव। इतना बड़ा दीप देवता का महत्व है। और हमारे वेदों में तो बहुत ही इसका वैदिक मंत्र भी उच्चारण है, चंद्रमा मनसो जात छुछोह सूर्यो अजायत श्रोता द्वादश्य प्राणस्य मुखादग्नि रजायत। तो इस प्रकार के दीप आप सभी को यहाँ पर प्रज्वलित होते हुए भी देखने को मिलेंगे, जो सभी श्रद्धालु आते हैं दीप जलाते हैं। और ऐसा माना जाता है ना कि अपने अंतरात्मा का भी दीप जलाते हैं ज्ञान से, प्रकाश से, और ऐसा प्रार्थना करते हैं हे प्रभु हमारे अंदर जो भी विकार हो, जो भी द्वेष हो, उसको आप दूर कीजिए और हमारे अंदर सत बुद्धि, सत विद्या, सत ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इतना बड़ा दीप देवता का महत्व है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो राम उत्सव कार्यक्रम में भी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ एक तरफ अयोध्या धाम में राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वैसे यहाँ पर दिव्य लेजर शो भी आपको देखने को मिलेगा भाई। अगर अयोध्या धाम अगर आप आ रहे हैं तो इस प्रकार का दिव्य एवं भव्य लेजर शो परम धाम अयोध्या में आप सभी आकर के देख सकते हैं। जहां एक तरफ अयोध्या में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं सरयू जी के तट पर लेजर शो का भी आयोजन किया जाता है। मैं स्पेशली आपको ये चीज दिखाने के लिए लाया था जहां पर यहां पर भी रामोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन दिन के समय किया जाता है या 7 बजे के पहले तक होता है, लेकिन वर्तमान समय में रात्रि समय में यहां भव्य एवं दिव्य लेजर शो का भी आनंद आप आकर ले सकते हैं अगर रात्रि के समय में आप घूमने निकले हो परमधाम अयोध्या जी में। तो यह दृश्य आप देख पा रहे हैं बहुत दिव्य है, अद्भुत है। और इसका एक अलग परिकल्पना है, जब यहाँ पर म्यूजिक चलता है ना तो एक अच्छा दृश्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आज राम उत्सव का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। मिलते हैं आप सभी से अयोध्या धाम के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।